शहर के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जाने की जद्दोजहद कर रहे माननीय मंत्री रविशंकर हवेलकर, सदस्य राज्य सलाहकार समिति आदर्श प्रधानमंत्री ग्राम योजना से जयगम नकवी, जिला संवाददाता व श्रवण कुमार पांडे, सदस्य डिप्टी चेयरमैन पत्रकार सुरक्षा संघ की खास मुलाकात की। वार्ता में उन्होंने बताया कि जनपद कानपुर में 54 अनुसूचित जाति से संबंधित ग्रामीणों को चिन्हित किया गया है। इन ग्रामों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत बहुमुखी विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इन 54 गाँव को विशेषकर सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल व आवास को ध्यान में रखकर विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग जहां भी जिस भूमि पर काबिज हैं, केंद्रीय भूमि को छोड़कर उन्हें उनका मालिक बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 138 वर्ग गज का मालिक भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें दलित समाज, खासकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों को वरीयता दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय मुद्रा ऋण योजना, स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं को आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल में कारगर बताते हुए उन पर प्रकाश डाला। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ कपूर चंद की रिपोर्ट। मंत्री जी, आज सर्किट हाउस में आपने बैठक की है, किस सिलसिले में बैठक की है? आज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य के नाते मैंने जनपद कानपुर में वित्त विकास निगम के अधिकारी गणों के साथ बैठक की है, अन्य जिम्मेदार अधिकारी गणों के साथ बैठक की, जिसमें जो 54 गाँव का चिन्हित किया गया है, इसमें VDP की स्थिति क्या है। तो जानकारी में है कि अन्य जनपदों में बजट आ गया है, लेकिन अभी यहाँ पर बजट नहीं आया है। तो जैसे ही बजट आ रहा है तो अनुसूचित जाति बाहुल जिन गाँवों का चिन्हीकरण किया गया, उसमें विकास की बयार बहेगी, उसमें विकास के काम होने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की अति महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ये आदर्श ग्राम योजना है अनुसूचित जाति के लिए, जिसमें हमें बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्यालय आदि के कार्यों का सत्यापन करना है। कार्यों के क्रियान्वयन के लिए हम लोगों को यहाँ नामित किया गया है, और हमारा प्रयास है कि अनुसूचित जाति के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को पहुंचे। और अभी आपने देखा होगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग जहाँ कहीं भी काबिज हैं, केंद्रीय भूमि को छोड़कर उनको उसका मालिक बनाया जाएगा। और यही नहीं, 138 वर्ग गज भूमि 3 डिसमिल का भी मालिक बनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। पूरे प्रदेश में लाखों लाख दलित आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा है कि ये ऐसा समय है कि इतनी बड़ी सोच आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने दलित समाज के लिए नहीं की। इससे ये वास्तव में पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब, दलित, मजदूर, मजबूर, झुग्गी झोपड़ी के लोगों के कल्याण के लिए ही काम कर रही है। अभी तक दलितों के मसीहा कहलाए जाते हैं आप, अभी तक आपने कितने दलितों को इस योजना का लाभ दिलाया है? देखिए, जो भी शासन से दलित समाज के लिए योजनाएं हैं, उस पर लगातार काम किया जा रहा है, और बहुत सारी योजनाएं दीनदयाल योजना, उपाध्याय योजना के माध्यम से हम लोगों ने दलितों को लोन देने का काम किया, महिलाओं को ट्रेलिंग शॉप के माध्यम से रोजगार देने का काम किया, और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से इंटर पास अनुसूचित जाति के युवाओं को हमने 1 लाख रुपए का लोन दिया। इसी प्रकार से लॉन्ड्री योजना के अंदर हमने जो है 2 लाख से अधिकतम लोन देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से आप देख रहे हैं 25 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम उन्हें लोन दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार ने अभी देखिए बहुत तगड़ा बूस्टर दिया अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, और करोड़ों करोड़ रुपए का लोन हम जो है वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए दे रहे हैं। अभी तक आपने किन किन जिलों का दौरा किया? अभी तक मैं 10-12 जिलों में गया हूं, और जिन जिलों में जा रहा हूं, मैं जहां बजट आ चुका है वहां VDP की स्थिति की समीक्षा की है और किस प्रकार से काम होना है, और यह जो कार्य हो रहा है ये नोडल एजेंसी के माध्यम से होगा, और इसके ये 15 विभागों के साथ मिलकर के 14-15 विभागों के साथ मिलकर के काम किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री जी हैं, और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माननीय अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी के सहयोग से यह कार्य संपादित किया जा रहा है।